हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और सेम की सूखी सब्ज़ी, जो कि सर्दियों में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में काफ़ी डिलीशियस और टेस्टी लगती है। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े आलू लिए, छील के कट कर लिया है, और सेम लिए हैं मैंने, जिसको मैंने दोनों साइड से कट कर लिया था और 3 से 4 भागों में उसको तोड़ लिया है। अच्छे से धुल लिए मैंने दोनों चीज़ों को। और यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, जिसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच, जो गर्म हो गया है। और अब मैं फ्रेंड्स इसमें डाल रही हूँ जीरा, जो चटक गया है। जीरा चटकने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग। हींग जो है सर्दियों में काफ़ी फ़ायदा करती है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हल्दी डाल दी है मैंने, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। यह है कसूरी मेथी, इसको डालने से बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी और टेस्ट भी बदल जाता है सब्ज़ी का, वो खाने बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा मसालों का यूज नहीं किया है, बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ, जो खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और जल्दी बन जाती है। यहाँ आलू सेम को मैंने डाल दिया कढ़ाई में, जो धुल के रखे थे। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ 7 से 8 मटर भी, कुछ दाने थे वो भी डाल दिए, जिससे सब्ज़ी और भी टेस्टी बनती है अगर आप सेम के साथ मटर भी डाल देंगे तो। मैंने इसमें मटर भी कुछ छील के डाल दी है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, और उसके आगे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और बस इसको मैं अच्छे से चला ले रही हूँ, इसके मसाला जो है आलू सेम में अच्छे से मिल जाए। यहाँ मैंने सेम कुछ कम लिए हैं, आप सेम और आलू की जो है मात्रा बराबर भी ले सकते हैं। मैंने आलू ज़्यादा लिए हैं और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें पानी, से जल्दी बन जाएगी आलू जो है, जल्दी पक जाएंगे। और फ्रेंड्स, बस अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी मैं। तो 10 मिनट बाद बस मैं इसको खोल के देख रही हूँ, यहाँ सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। बीच बीच में मैं चलाती रही थी, देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है और सारे मसाले जो हैं मिक्स हो गए हैं अच्छे से सब्जी में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है ये, जिसको आप पूरी पराठे किसी के भी साथ खाएं, रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। सर्दियों में तो सेम और आलू की जो सब्जी है सभी घरों में बनने लगती है। और वैसे मैंने हरा धनिया कट कर लिया है, सब्जी बन गई, गैस मैंने ऑफ कर दी है और बस हरा धनिया मैं डाल दूँगी, कट करके रखा है जो, हरा धनिया मिला दूँगी मैं। तो यहाँ सभी बाउल में मैं बस धनिया मिला के निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो रेसिपी आलू सेम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए फैमिली दोस्तों के साथ। तो बस मैंने सभी बाउल में निकाल ली है, कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली न्यू वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।